जहां जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक और ब्लास्ट को लेकर यह बड़ी खबर है। बस अड्डे पर फिर खड़ी बस के अंदर हुआ धमाका। बीती रात बस अड्डे के पास धमाका हुआ था। पार्किंग में लगी बस में ये दोनों धमाके हुए हैं। 8 घंटे के अंदर उधमपुर में 2 धमाके, और जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। एक तरफ जहां बीती रात 10 बजे के बाद एक धमाका हुआ, 8 घंटे के अंदर सुबह 6 बजे एक और बस में हुआ धमाका। अब बस के अंदर जो रात को 10:30 बजे धमाका हुआ वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये सुबह की तस्वीर जहां सुबह 6 बजे एक और दूसरा धमाका हो गया। हालांकि मामले की जांच को लेकर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर एंगल से, यहां तक कि टेरर एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है, और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। पूरे बस अड्डे की छानबीन हो रही है, लेकिन 8 घंटे के अंदर एक के बाद एक 2 धमाके जिस तरीके से हुए हैं उसके बाद जांच को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। और साथ ही बड़ी बात ये, चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कि आखिर किस तरीके से बसों के अंदर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। समय में मौजूद हूँ उधमपुर बस स्टैंड में, जहाँ पर एक बस में ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से हर एक बस की आप चेकिंग जो है वो की जा रही है, जो यहाँ पर खड़ी थी इस बस स्टैंड के अंदर। यहाँ पर आप सीआरपीएफ के जवान देख सकते हैं, एक एक बस को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। अलग अलग उपकरण जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि हर एक बस को यहां पर खंगाला जा सके, ये देखा जा सके कि कहीं यहां पर कोई और बम तो नहीं रखा गया है। यहां तस्वीरों में आप देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवान किस तरीके से यहां पर मौजूद हैं। यहां पर खुद डॉग यूनिट जो है वो भी सीआरपीएफ की तरफ से लगाई गई है। अत्याधुनिक उपकरण जो है वो यहां पर सीआरपीएफ की तरफ से लाए गए हैं, और हर एक बस की यहां पर अब चेकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के उपकरण हैं जिससे ये डिटेक्ट किया जा रहा है कहीं जो यहाँ पर और बसें खड़ी हुई है बस स्टैंड के अंदर, यहाँ पर कोई संदिग्ध सामान, कोई बम तो नहीं रखा गया है, ये भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। डॉग यूनिट जो है वो भी बस के अंदर हर एक सीट को यहाँ पर चेक कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो लगी हुई हैं, हर एक बस की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। देखा जा रहा है कहीं यहाँ पर कोई संदिग्ध सामान तो नहीं रखा गया है या फिर यहाँ पर कोई बम तो नहीं रखा गया है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, और अब सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। हर एक बस की यहाँ पर अब चेकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बस के अंदर ये ब्लास्ट हुआ। सुबह 6 बजे दूसरा धमाका भी हुआ, और उसके बाद देखिए लगातार इस पूरे इलाके में जांच भी चल रही है। 2 धमाके, सवाल ये है कि क्या बड़ी साजिश थी? आतंकी हाथ इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, आतंकी किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या प्लानिंग थी, क्या योजना थी फिर से घाटी को अस्थिर करने की? हालांकि इन बसों में आप देखिए जहां पे नुकसान हुआ है, बिल्कुल सुबह ये धमाका हुआ है, लेकिन अगर ये धमाका किसी बाजार में होता, किसी ऐसी जगह व्यस्त इलाके में होता, ये बस कहीं यात्रियों को लेकर जा रही होती, तब क्या हो सकता है? तब निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता था। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।